सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। शैलेश, शैलेश, मैं कब से चिल्ला रही हूँ, नहीं सुनाई देता? कहीं नहीं, अभी तक नहीं जाऊंगी, बोलना बनेगी। ये देखो क्या कर रहे हैं मेरे साथ, है? क्या कर रहे हो? शैलेश से मिला दो एक बार। निकल, भाग भाग, चल चल भाग। क्यों जाऊँ, क्यों जाऊँ यहाँ से? शादी की है मैंने, इस घर की बहू हूँ। ऐसे नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी मैं। रुक। ये लो। मैं तो अंदर जाके ही रहूंगी। हाँ, लगती है, लगने दो। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, मैं अंदर जाके ही रहूंगी। क्या करोगे तुम लोग, अभी अंदर आओगे? अभी अंदर आऊंगी। क्या कर लोगे? सारा सामान कर। लो बेटा। अरे सुनो बेटा, हम कह रहे थे कि वहां जाकर अगर उनसे थोड़े से पैसे बढ़ाने की बात कर लेते तो। अम्मा वो कॉर्पोरेट कंपनी है, कोई दुकान नहीं कि हम बोले और हमारे हिसाब से वो पैसा बढ़ा देंगे। बेटा तुम ना जाते तो अच्छा रहता। अरे ऐसे कैसे नहीं जाते? हाँ, अरे हमने अपने बेटे को इंजीनियरिंग क्या इसीलिए पास करवाई है कि वो घर घर जाकर केबल का काम करता फिरे? ना जाते तो अच्छा होता। मानता हूँ कि ये इंजीनियर हो गया है, लेकिन यहाँ जो काम कर रहा है ये खुद का है और कमाई भी तो अच्छी। हाँ, बड़ी कमाई की तुमने भी। हाँ, सारी जिंदगी प्राइवेट टीचर गिरी करते रहे और ऊपर से 5 साल से घर पे बैठे हो मेरे सर के ऊपर। कमाई की बात कर रहे हो? अम्मा भले ही पापा 5 साल से घर में बैठे हैं, लेकिन इनके रेपुटेशन की वजह से ही हम बिजनेस शुरू कर पाए थे और इन्होंने जो कुछ भी दिया है ना, मेरे लिए काफी है। भैया क्लाइंट की लिस्ट हमने बनवा दी है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कौन से मोहल्ले से, किसके यहाँ से हमें कितने पैसे आते हैं और किसका बिहेवियर कैसा है, किसके साथ आप सख्ती से बिहेव करें और किससे पैसे नहीं मिलने पर भी चलेगा। देखिए अब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। यार तुम टेंशन बहुत लेते हो। चल तो फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? आ जा। अरे सुन 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 बेटा, एक बात तो हम कहना भूल गए, वहां जाकर अपनी मर्जी से शादी ब्याह मत कर लेना। वो क्या है ना, हमारा बेटा बड़ा इंजीनियर बन गया है, कितने बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे हैं, एकदम इतनी अच्छी बहू लेकर आएंगे हम, देखना तुम। अम्मा शादी की चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि जो है ना शादी हम अपनी मर्जी से ही करेंगे, ठीक है? चलिए भैया। बेटा अपना ख्याल रखना। चल। चलो अच्छा है, अब हमारे दोनों बेटे कमाने लग गए हैं। बड़े के लिए तो इतनी प्यारी सी बहू आ गई है, अब देख लेना छोटे के लिए मैं ऐसी बहू लाऊंगी जो हमारा पूरा घर भर दे। अरे ब्लैंक चेक है हमारा बेटा। देखिए कितना अच्छा कपड़ा है, देख रहे आप? यहाँ है सर, यहाँ है। कैसा लगा घर आपको? बढ़िया घर तो बहुत अच्छा है, उसके लोकेशंस सब कुछ बहुत अच्छा है, थोड़ा डिपॉजिट में कम करवा देते तो सही रहता। डिपॉजिट में तो कम हो जाएगा सर, लेकिन एक काम करते हैं, कल मैं लीव एंड लाइसेंस का एग्रीमेंट तैयार करवा लेता हूँ, उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन करवा लेता। चलेगा? चलेगा। हाँ ठीक है, चल।
मैडम आप जाइए, पैसे संभालता हूँ। जाइए आप मैडम, चोरी कर रहा है। चल चल, आप ठीक है ना आंटी? चलिए भैया, पत्ता गोभी क्या भाव दी? गोभी भैया 25 रुपये पाव। 25 रुपये पाव। ऐसा करो, एक पत्ता गोभी तोल दो। भैया मैंने आपको 100 रुपए दिए थे, आपने 150 रुपए दे दिए, शायद गलती से दे दिए होंगे, ये लीजिए। अरे मैडम हम समझे, आपने 200 नोट दिए, थैंक यू मैडम। अरे कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? जी अच्छा, मेरा नाम शैलेश है, मैं आपके पास वाले घर में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, बाय। अरे मैडम वो आपकी सब्जी रह गई। ओह थैंक यू सो मच। बाय बाय। साहब और क्या डालूं? साहब सब्जी लेना कि नहीं? बेटा पंकज जी। हो जी बेटा, पूरे 25,000 का हिसाब कम है, कहाँ गए इतने पैसे? जी मतलब वो बाबूजी, मैंने थोड़े पैसे खर्च किए हैं, बाकी का हिसाब मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। देखो बेटा, ये 25,000 तुम्हारे हिस्से लेने के बाद का है, बाकी और लोगों के देना है, उसका क्या करोगे? क्यों इस बेचारे के पीछे पड़े हो? अभी अभी तो काम धंधा संभाला है इसने, और नए नए काम धंधे में ऊंच नीच होती रहती है। ऊंच नीच का ये मतलब नहीं कि 2 महीने में 25,000 का फर्क पड़ जाए। अरे शैलेश का भी तो हिस्सा है। आपको ना शैलेश और इसके बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, शैलेश इसे काम देकर गया, आपको नहीं देकर गया। ये गलत है। अब आप हमें बताएंगे क्या गलत है और क्या सही? छोटा अपनी जगह कमा रहा है और बड़ा अपनी जगह, इसी में खुश रहिए आप, और अगर छोटे को कोई शिकायत होगी तो हम देख लेंगे। जो गलत है वो गलत है, कल को इस बात लेकर के अगर दोनों भाई में दरार हो गया तो क्या करोगे? अरे फिर हम तुमको। मम्मी जी, वो मेरे मामा जी का फोन आया था, उन्होंने शैलेश के लिए लड़की देखी है, और खुशखबरी की बात ये है कि जितना दहेज मांगो उतना देने को तैयार हैं। सच्ची? जल्दी बुला लो फिर उनको। हाँ हाँ, मैं उन्हें बोल देती हूँ। हाँ हाँ। इंसान का बढ़ता हुआ लालच और गहरा होता हुआ स्वार्थ अक्सर उसे ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां से आपसी रिश्ते और प्यार की कीमत पैसों के आगे कमजोर पड़ने लगती है। और जब भी कभी ऐसा होता है तो जुर्म की हदें शुरू हो जाती हैं। सुधा, पंकज और अंतरा, ये तीनों अपने स्वार्थ और लालच के चलते एक ऐसे ही गलत रास्ते पर बढ़ चले थे, जहां बड़ा भाई छोटे भाई के सेट बिजनेस में बेमानी कर रहा था, वहीं एक माँ अपने बेटे शैलेश को दहेज के बाजार में ब्लैंक चेक की तरह भुनाने के लिए तैयार थी। और इन सबसे दूर शैलेश एक दूसरे शहर में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहा था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑफिस? हाँ, आप भी ऑफिस आ रही है? हाँ, बट दूसरे। चले चलिए। माचिस है? एक्चुअली मेरी माचिस खत्म हो गई। हाँ है ना, मैं लाता हूँ। हाँ। ये लीजिए।
थैंक यू, मैं थोड़ी देर में आपको लाके देती हूँ। ठीक है ना, कोई बात नहीं। ओके थैंक यू। और कोई जरूरत हो तो बताइए। हाँ हाँ। ये आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? क्योंकि ब्रेड और अचार से पेट नहीं भरता। तो देख लिया आपने। यस। थैंक्स। एंड मचेस। थैंक यू सो मच। वेलकम। बाय। बाय बाय। मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरे पापा मम्मी की डेथ हो गई थी। फिर मेरे रिलेटिव्स ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और अब यहाँ 2 साल हो गए हैं रहते रहते। तुम्हें कभी कोई शिकायत नहीं होती जिंदगी से? ना ना, मुझे क्या शिकायत होगी? भगवान जी ने जितना भी मुझे दिया आई एम हैप्पी। और सब कुछ तो है मेरे पास। घर से बाहर निकलते ही बस स्टॉप है, बस में बैठ के आराम से मैं ऑफिस जाती हूँ और ऑफिस में आराम से बैठ कर मैं काम करती हूँ और महीने के एंड में मुझे अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। जिंदगी जीने के लिए और क्या चाहिए? हाँ सही बात। अच्छा तुमने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा? नहीं। हाँ मतलब अगर कोई ठीक ठाक मिल जाएगा तो मैं शादी कर लूंगी। अच्छा देखो ना, हमसे ज्यादा बकैती होती नहीं। जब तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम हमें बहुत अच्छी लगी थी और जब पहली बार तुम्हारे हाथ का खाना खाया तो हमने तो पक्का कर लिया कि शादी करेंगे तो तुम ही से करेंगे। अच्छा सुनो, अब हाँ बोलने में ज्यादा टाइम मत लगा। मैं तो लगाऊंगी। अरे भजन लाल जी, अभी हाल ही में तो एक लड़की का रिश्ता आया था शैलेश के लिए। 15 लाख कैश दे रहे थे और ऊपर से फर्नीचर और जेवर अलग से, पर हमने तो उनको साफ साफ मना कर दिया। अरे हमारा शैलेश ने इंजीनियरिंग की है हा? और ऊपर से प्राइवेट में पक्की नौकरी कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना रिश्ता करा देंगे किसी के भी साथ उसका। अब देखिए, लड़की वालों ने पंकज की शादी में शैलेश को देखा है, अब लड़की को भी शैलेश बहुत पसंद आ गया। अच्छा? तो वो लोग देन लेन में कोई कमी नहीं रखेंगे। अच्छा? लेकिन आपको भी ना मेरा थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। आप भी कैसी बात करते हैं भजन लाल जी। अरे हम आपको कुछ भी देने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। फिर तो ठीक है ना। लीजिए एक और समोसा खाइए, इसी बात पे लीजिए। हाँ बिटुआ, कैसा है? ठीक है? हाँ माँ। वो कहा है ना कि बहुत दिन से हमारी तबीयत ठीक नहीं चल रही, सीने में दर्द अचानक उठ जाता है। बस समय निकाल कर एक बार आकर हमसे मिल जाता तो। हाँ वो कहा है ना, बाद में कहीं तुझे पछताना ना पड़ जाए। हा? आ रहा है ना? ठीक है अम्मा, आप चिंता मत करो, हम जल्दी आते हैं। आ जा। एक बात बोले मम्मी जी, एक्टिंग आप बहुत अच्छी करती हैं। देख लिया ना आप लोग स्वीटी को, BA किया है इसने और इसे तो शैलेश बहुत पसंद है और इन्हें आपकी सारी शर्तें मंजूर। देखिए भजन लाल जी, भाई हमको तो बिटिया बहुत भा गई है और जो हमारी पसंद वही हमारे बिटुआ की पसंद। क्यों बिटुआ, है ना? लड़की वाले कुल 20 लाख रुपए देंगे, इसमें से 10 लाख रुपए तो कर देते हैं हम लोग फिक्स। ठीक। 6
6 लाख का हम लोग ले लेते हैं जेवर, और 1.5 लाख रुपए के कपड़े आ जाएंगे, 2.5 लाख रुपए बचेगा, 2.5 लाख रुपए शादी में निपटा देंगे। उम्र हो रही है तुम्हारी, कुछ पैसे डॉक्टर के लिए बचा के रख लो। बस फिर मुंह खोले, जब बोलोगे ना उल्टा ही बोलोगे। अरे कहाँ हुआ है हमारी उम्र को? अम्मा क्या दीती है, दिल्ली में रहती है, हमें इसी से शादी करनी है। अरे ऐसे कैसे इसी से शादी करनी है? और वो स्वीटी के माँ बाप, उनका क्या होगा जो हमें 20 लाख रुपए दे रहे हैं, इतना दहेज दे रहे हैं? अम्मा सबसे पहली बात, ये जो दहेज वहेज की बात है, ये अपने आप में अपराध है, अपराध और पाप भी है। अच्छा, 4 किताबें क्या पढ़ ली, तो तुम हमें बताओगे क्या अपराध है और क्या पाप? तुम तो यहाँ से चले जाओगे हमको ज्ञान देकर, और उसके बाद समाज और दुनिया, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी उनमें? अरे समाज और दुनिया से पहले हमको खुद की खुशी के बारे में सोचना चाहिए अम्मा, और हमने फैसला कर लिया है, हम शादी करेंगे तो अदिति से करेंगे। अरे ऐसे कैसे शादी कर लोगे, हम लोग क्या हम मर गए? अरे इसी दिन के लिए हमने तुम्हें पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाया लिखाया, तो क्या सारा पैसा हमारी शादी से वसूल करेंगे आप? ए, चुप, बहुत बोलने लगा है तू। अम्मा आप शांत रहिए, आपका आपका दिल वैसे भी कमजोर है। डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को। अम्मा जी कह दो इसे, अगर इसे अदिति से शादी करनी है तो कर ले, लेकिन हम दवा तभी खाएंगे जब अदिति के घर से 25 लाख रुपए कैश और दहेज का सारा सामान आएगा। नहीं तो ये दवा ले जाकर फेंक दो नाली में, और यही सोचो कि मर गई तुम्हारी माँ। एक बात पूछो, दो बात पूछो, तुम्हें मेरे अंदर सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? तो मेरी शेरनी है, शेरनी। अच्छा हम घर कब जाएंगे? बहुत जल्दी। हाय राम, इस लड़के ने हमको बर्बाद कर दिया, इसी लड़की ने जादू टोना किया हमारे पिटुआ पर। ना इसने अपने माँ बाप को देखा, ना घर बार को। अम्मा जी शांत हो जाइए, अगर आपको कुछ हो गया ना हम लोग सब बर्बाद हो जाएंगे। छोटे तूने बिल्कुल सही नहीं किया, अरे ये सब करने से पहले एक बार बता तो दिया होता मुझे। भैया हमने क्या सही किया क्या गलत ये सब बाद में देख लेंगे, पर अभी सच तो ये है कि अदिति मेरी पत्नी है, इसे स्वीकार कर लो आप लोग सब। देख बिटवा, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, इसे जहाँ से लाया ना वहीं छोड़ा तू जाकर। अम्मा हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं, कानूनन तौर पे अदिति हमारी पत्नी है, पता नहीं आप लोग समझ क्यों नहीं रहे इस बात को, इसे स्वीकार कीजिए और हमें घर के अंदर आने दीजिए। नहीं अम्मा जी, ये बात मत सुनना, उसे घर के अंदर लाना चाहता है ना, एक मिनट रुक जा, हमारी लाश पर से तेरे को पहले गुजरना पड़ेगा। अब लेके जा अंदर इसको। मम्मी जी ऐसी बात तो मत कीजिए, एक बार मुझे मौका तो दीजिए। खबरदार तू चुप कर और चली जा यहाँ से, अभी निकल यहाँ से। अरे क्या बात कर रही हैं आप अम्मा, पागल हो गई हैं क्या, ये क्यों जाएगी यहाँ से? क्योंकि ये हमारा घर है, इसका नहीं। अच्छा आपका घर है, आपका घर है ये? हाँ। तो इस घर को बनाने में हमारे ही पैसे लगे, ये मत भूलिए आप लोग। और आज भैया काम कर रहे हैं, वो काम हमने शुरू किया था, हमारे नाम पर है वो काम। अगर अदिति आपको पसंद नहीं है ना तो हम चले जाते हैं यहाँ से, हमको हमारा पैसा, हमारा काम और हमारा घर दे दीजिए बस।
देखा देखा आप लोगों ने, अरे कैसा हो गया हमारा बेटा। अरे इस औरत के जादू टोने की वजह से ये ऐसे बोल रहा है, अपनों को ही घर से बाहर निकालने की बात कर रहा है ये। शैलेश, बहू, बेटा दोनों घर के अंदर आओ। आओ। ज्यादा बातों का तो कोई मतलब है नहीं अम्मा, बस आज से हमें हर महीने केबल के काम का पूरा हिसाब और प्रॉफिट का आधा पैसा चाहिए और घर का आधा किराया भी, और अगर नहीं मिला तो हम सारा काम किसी और को दे देंगे। चलो आदित्य। देखिए मैं मानती हूं कि उन्होंने गलत किया, लेकिन तुमने जो किया क्या वो सही है? क्या जरूरत थी हिस्सा और हिसाब मांगने की? समझने की कोशिश करो आदित्य, ऐसा करने से ही माँ और भैया को अकल आएगी और वो इंसान की कदर करना सीखेंगे, वरना कोई रास्ता नहीं है। देखिए ना तो मुझे इस घर में हिस्सा चाहिए और ना ही पैसा चाहिए, और ना ही मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। हम कल ही अपने घर वापस जा रहे हैं और ये फाइनल है। लाओ बिट्टू। अम्मा एक बात कहें? हाँ। अगर जल्दी से जल्दी हमने छोटे को संभाला नहीं ना, तो हमें यहाँ की सारी चीजों से हाथ धोना पड़ जाएगा, घर से भी और काम से भी। अच्छा, अब तुम ही बताओ फिर हम क्या करें? करना ये पड़ेगा कि इससे पहले वो हमें बेदखल करे, हमें उसे बेदखल करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है बिटुआ, बस जो भी करना ना सोच समझ कर करना तुम। क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार। अच्छा, मम्मी का फोन है, फोन उठा लो। अरे अम्मा का फोन आ रहा है यार, बार बार परेशान करेंगे। पहले भी 8 बार तो हार्ट अटैक का बहाना कर चुकी, अब ना जाने कौन सा बहाना करेंगे। शैलेश, ये सब बातें भूलकर पापा मम्मी से बात कर। अरे हमें क्या जरूरत पड़ी उनसे बात करने की? जरूरत है, क्योंकि वो अब दादा दादी बनने वाले। दादा दादी? क्या बात कर रही हो? सच में? हाँ शैलेश, सच में? हाँ, नीचे उतारो शैलेश, नीचे उतारो। बहुत खुश, नीचे उतारो उसको। हम बहुत खुश हैं, अब जाकर के ना हम ये खुशखबरी खुद अम्मा और भैया को देंगे, तब जाकर उनको भी अकल आ जाएगी। देखो बिटुआ, अब तुमसे जो गलती हो गई उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन बच्चे को तो हम अपना लेंगे, बस तुम केबल के काम में अब अपना हिस्सा मत मांगो, हमारी जिम्मेदारी है उस पर। पर अम्मा, हम हर महीने 10,000 रुपये भैया को इसी बात के लिए देते हैं कि वो आप लोगों का ध्यान रख सके, पर बाकी के पैसे तो हमें चाहिए होंगे ना। बच्चा होने वाला है, मकान का किराया है, फिर हमें दिल्ली में अपना घर भी तो खरीदना है, बाकी के भी खर्चे हैं, वो सब कैसे पूरे होंगे अम्मा?
हेलो शैलेश, शैलेश पापा मम्मी से बात हुई? हेलो। अच्छा घर कब आ रहे हो? हेलो, मैं एक दो दिन में आ रहा हूँ। हेलो शैलेश, हेलो फोन कट गया। इतनी अजीब आवाज में क्यों बात कर रहे थे? इसे कब तक रोक पाएंगे हम लोग? देखना, जिस दिन वापस गया ना कोई मुसीबत खड़ी करेगा। इसे यहां से जिंदा जाने के लिए थोड़ी बुलाया है, इसे तो मरना पड़ेगा यही। हेलो। हेलो नमस्ते मम्मी जी। फोन रखो, वो इस समय तुमसे बात नहीं करना चाहता। बात नहीं करना चाहता? ऐसे कैसे? आप एक बार मेरी शैलेश से बात करवाइए। अरे ऐसे कैसे हम उसे फोन दे दें? कह दिया ना वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। जब उसे बात करनी होगी वो खुद तुम्हें फोन करेगा। आज के बाद यहाँ फोन मत करना। बेटा क्या हो गया तुमको? तुम ठीक हो ना? पापा, पापा हमें लगता है हमें ये लोग खाने में कुछ पिला कर दे रहे हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? जब से आए हो खुद ही बीमार पड़े हुए हो, बल्कि यहाँ तो इलाज हो रहा है तुम्हारा। मुझे लगता है इसका इलाज दिल्ली में ज्यादा अच्छे से हो सकता है, इसे जाने दो। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप चुप बैठो। हेलो मम्मी जी, शैलेश को बताना था कि मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने बोला कि मैं और बच्चा दोनों ठीक है, बस थोड़ी सावधानी करनी पड़ेगी। देखो हमें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसे भूल जाओ। और अब वो ना कभी तुमसे मिलेगा और दिल्ली वापस जाएगा, समझी? भूल जाओ? मम्मी जी आप ये क्या बात कर रही हो? ऐसे कैसे भूल जाऊं? मैंने शैलेश से शादी की है, मेरी शैलेश से बात कराओ एक बार। देखो हम तुमसे कह रहे हैं अगर तुम्हें 1-1.5 लाख रुपया चाहिए तो हम आकर तुमको देते हैं, लेकिन तुम भगवान के लिए हमारे बच्चे का पीछा छोड़ दो। मम्मी जी प्लीज मेरी एक बार शैलेश से बात तो कराइए। बात करनी है तुमको? बात करनी है, लो बात करो। हम ना भी बात नहीं कर सकते। हेलो शैलेश, ये आप क्या कह रहे हो और आपकी आवाज को क्या होता जा रहा है? नहीं, हम हेलो कोई बात नहीं, अगर शैलेश दिल्ली नहीं आ सकता तो मैं तो आगरा जा सकती हूँ ना। शैलेश जी, शैलेश
मम्मी जी शैल तू फिर आ गई, निकल यहाँ से। मम्मी जी एक बार मुझे शैलेश से मिलने दो, एक बार मुझे उससे मिलने दो प्लीज। ये कहाँ से आ गई, एक बार समझ में नहीं आता, चल जाओ यहाँ से। मम्मी जी एक बार मुझे शैलेश से मिलने दो, ढीठ है ये औरत। निकल, एक बार समझ में नहीं आता, निकल। मम्मी जी प्लीज एक बार मुझे शैलेश से तो मिलने दो, मुझे पता है कौन सा है। देखा आप सब लोगों ने, चोर है ये लड़की, जबरदस्ती घर में घुसना चाहती है। मैं चोर हूँ? हाँ तू है। ये झूठ बोल रही है, शैलेश ने बकायदा मुझसे शादी की है, मैं इस घर की बहू हूँ। अच्छा तू हमारे घर की बहू है, हाथ हिलाकर आ जाएगी और बोलेगी बहू है तो बहू मान लेंगे। अरे झूठ बोल रही है ये औरत, दिखा सबूत। क्या है तेरे पास, सबूत चाहिए? आपको भी दिखाऊंगी और सबको दिखाऊंगी। अच्छा दिखा, सब दिखाती हूँ मैं, सब झूठ बोल रहे हैं। मैं चोर हूँ है, ये देखो सबूत, ये देखो मेरी शैलेश से मेरी शादी हुई है, ये देखो आर्य समाज मंदिर में हमने शादी की, आप भी देख लो, शैलेश ही है ना आपका बेटा। अच्छा ये, अरे वो क्या कहते हैं, ये तो वो फोटोशॉप में भी निकल जाती है, 20-20 रुपए में मार्केट में मिलती है और तूने उससे शादी कर ली, झूठी है ये औरत। ये सामना आप करती होंगी, मैं नहीं करती, मेरी बकायदा शादी हुई है उससे और मैं इस घर की बहू और मैं अंदर जाके रहूंगी, देखती हूँ कैसे जाती है, चल निकल। देखा आप लोगों ने क्या किया, इसने हमको चोट लगा दी, निकल यहाँ से। मम्मी जी दरवाजा खोलिए, मम्मी जी एक बार, शैलेश इसकी हालत देख रहे हो, शरीर नीला पड़ने लगा है, इसे फौरन हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। अच्छा बाहर वो औरत खड़ी हंगामा कर रही है, इसे इस हालत में देखेगी तो न जाने क्या करेगी। तो क्या इसे इसी तरह मरने दूं? मैं डॉक्टर को फोन लगाता हूं। चलो लगाइए, फोन लगाइए। मम्मी जी, ओ मम्मी जी, मेरा पति मुझे लौटा दो, छोड़ो मुझे। सीट नहीं कर रहा बेटा। आप यहाँ चुपचाप बैठेंगे, ठीक है? चुपचाप। वो मर जाएगा बेटा, वो मर जाएगा। पंकज बोलो बेटा। आइए अंदर अंदर। बड़ा शौक है। शैलेश क्या कर रहे हो आप सब? निकल यहाँ से, वो लेकर आओ और पानी लेकर आओ और पानी। नहीं समझ में आ रहा, घर में ही रहूंगी मैं। अच्छा आकर दिखा तू। अरे 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 ये क्या कर रही है? अरे आके दिखा तू, यहाँ आके दिखा, तेरे को बताऊँ मैं। निकल यहाँ से, मैं तुझे शैलेश से नहीं मिलने दूंगी, निकल यहाँ से। नहीं मिलने दूंगी बोल दिया ना तुझे, निकल। अंदर नहीं आने दोगे ना? कोई बात नहीं, मैं सारी रात यहीं बैठी रहूंगी और देखती हूँ कौन इस घर से बाहर जाता है और कौन इस घर के अंदर आता है। ना मैं आऊंगी ना मैं किसी को बाहर आने दूंगी। अब देखते तुझे, जा चल, बहुत देखे तेरे जैसे। चलो ये क्या हो गया शैलेश? कंट्रोल नहीं हो रहा था, ये ड्रग का ओवरडोज दे दिया, बर्दाश्त नहीं कर पाया और मर गया। Oh!
चाहा था। अच्छा तो क्या चाहता था ना? हमने तो बस इतना सोचा था कि डराने और धमकाने से ये उस औरत को छोड़ दे और हमारे घर का बंटवारा होने से बच जाए बस। ये थोड़ी ना सोचा था कि ये मर जाए। अब क्या होगा? पुलिस आएगी, क्या होगा? कुछ सोचा तुमने? कुछ सोचा? अच्छा? सिर्फ मैंने ही नहीं मारा इसे, इसे मारने में बराबर की हकदार तुम। सिर्फ मैं जेल जाऊंगा क्या? हाँ, जेल जाओगी तुम भी, समझी? बचना चाहती हो? हाँ, चाहती हो क्या? जो कह रहा हूँ चुपचाप वही कर। जब पहली बार तुम्हारे हाथ का खाना खाया तो हमने तो पक्का कर लिया कि शादी करेंगे तो तुम ही से करेंगे। तुम्हें मेरे अंदर सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? तू मेरी शेरनी है शेर। मम्मी जी, एक बार चलेश मुझे बोल दे कि घर से चली जाए, मैं कभी दोबारा यहाँ कदम भी नहीं रखूंगी। मम्मी जी, देखो कोई सुन भी नहीं रहा है मेरी आवाज। ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग। शैलेश, शैलेश, चलो ठीक है ना बेटा? हाँ बाबूजी। छोटे को पीछे के रास्ते से हमने अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे तो आप इतना कहिएगा कि वो यहाँ आया ही नहीं था, है ना? वरना अंजाम तो पता ही नहीं है ना। शैलेश, शैलेश, मैं कब से चिल्ला रही हूँ, नहीं सुनाई देता? कहीं नहीं अभी तक। शादी की है मैंने, इस घर की बहू हूँ। ऐसे नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी मैं। रुक, ये लो। मैं तो अंदर जाके ही रहूंगी। हाँ, लगती है लगने दो, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। मैं अंदर जाके ही रहूंगी। ये लो, क्या करोगे तुम लोग? अभी अंदर आओ। अभी अंदर आओगे। क्या कर लोगे? सारा सामान का हेलो, पुलिस स्टेशन। देखिए मैडम जी, ये मेरी शादी का सर्टिफिकेट है और ये फोटो। हमने आर्य समाज मंदिर में शादी की है, मैं इस घर की बहू हूँ और ये लोग झूठ बोल रहे हैं। देखिए ना, मुझे घर के अंदर भी नहीं आने दे रहे, मेरा सामान भी यहाँ पर पड़ा है। मैडम जी, एक बार मुझे शैलेश से मिलवा दीजिए, मैं यहाँ पर कदम भी नहीं रखूंगी। देखो मैडम, यहाँ शैलेश नहीं रहता। जब से उसने इस लड़की के साथ शादी की है, हम सबने उसे घर से निकाल दिया था। तब से वो कहाँ गया हमें कुछ पता नहीं है। नहीं मैडम जी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने शैलेश को अंदर छिपा के रखा। आप एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। आप हटिए, हमें घर की तलाशी लेनी। हटिए शैलेश।
लिया ना मैडम आपने, मिला आपको अंदर शैलेश? अंदर शैलेश है ही नहीं। अरे हमको तो लगता है इसी लड़की ने उसे कहीं गायब किया है। इंस्पेक्टर साहिब, हमारी अम्मा सही कह रही हैं, इसी ने हमारे भाई को गायब किया है। नहीं मैडम जी, शैलेश यहाँ आया जरूर था। आप ऐसे कैसे कह सकती हो? हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। ये अंगूठी कहां से मिली? कहां से मिली मतलब हमारी है? ये शैलेश की अंगूठी है मैडम जी। ये अंगूठी मैंने शैलेश को गिफ्ट की थी और ये अंगूठी वो किसी को नहीं दे सकता। पूछिए इनसे कि ये अंगूठी कहां से मिली इन्हें। इसकी क्यों नहीं हो सकती है? नहीं मैडम जी, ये अंगूठी शैलेश की है। अगर आपको यकीन नहीं होता ना तो मैं आपको सबूत दिखाती हूँ। ये देखिए मैडम जी, ये अंगूठी है ना मैडम जी। ये अंगूठी मैंने शैलेश को गिफ्ट की थी और ये अंगूठी वो किसी को नहीं दे सकता। कहाँ से मिली अंगूठी बोलो। अरे हट, परेशान हो गया था तुमसे, हाँ छोड़कर जाना चाहता था और ये अंगूठी ये निकाल कर फेंक के गया था। और बोला था जब तुम आओ ना तो तुम्हें घर में घुसने ना दो। भैया सर झूठ बोल रहे हैं लोग सब। कल रात तक सैलेश घर में ही था, इन लोगों ने उसे बीमार कर दिया था। जब मैं उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा तो मुझे कमरे में बंद कर दिया। हमें फिर से घर की तलाशी लेनी है, चलिए। हाँ आइए। इन्हें इनके कर्मों की सजा कानून देगा, भगवान देगा। तुम अपने हाथ गंदे मत करो। तुम तो शैलेश की बच्चे की मां बनने वाली हो ना, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे बच्चे का जन्म जेल में हो और वो भी इस कमीने को मारने के कारण। ना बेटा, संभालो अपने को, संभालो, छोड़ो।
हम अक्सर यही कहते हैं कि इंसान आज जो कुछ भी होता है उसके लिए जिम्मेदार उसके घर परिवार के दिए हुए संस्कार भी होते हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि चाहे इंसान कहीं पर भी रहे लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसका अपना विवेक अपना जमीर ही काम आते हैं। शैलेश और पंकज दोनों सगे भाई थे लेकिन शैलेश ने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ईमानदारी और मेहनत का रास्ता चुना क्योंकि वो रास्ता उसे उसके पापा ने सिखाया था। वहीं दूसरी ओर पंकज ने अपनी मां सुधा की बात सुनी और वो लालच के दलदल में धंसता चला गया। विनायक अच्छे आदमी थे लेकिन गलत बातों पर उसी समय पूरी ताकत से विरोध ना करके उन्होंने भी बहुत बड़ी गलती की। सुधा पंकज और अंतरा आज जेल की सलाखों के पीछे और अपने किए की सजा काट रहे हैं। ये तीनों अगर चाहते तो खुश रह सकते थे लेकिन लालच और स्वार्थ के चलते इनके पास जो था वो भी इन्होंने खो दिया। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। अगली कहानी में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक याद रखिएगा क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट जुर्म के खिलाफ आवाज़।